ओके स्टूडेंट्स, सो हमने लाइट चैप्टर एंड ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चन कर लिए हैं. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग. आई विल बी गिविंग यू टू क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. सो लेट्स सी हाउ मच यू आर एबल टू आंसर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई स्मोक पार्टिकल, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन आंसर मी. वाई स्मोक पार्टिकल्स बिकेम विजिबल व्हेन सनलाइट एंटर अ रूम. टेल मी व्हाट इज द राइट ऑप्शन. रिलेज इफेक्ट, रमन इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, रिफ्लेक्शन. एज यू नो दैट स्मोक पार्टिकल्स व्हेन दे एंटर इनटू अ रूम, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द स्मोक पार्टिकल्स, देन दे स्कैटर, दे स्प्लिट अप. स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस. सो विच इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट? टिंडल इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट. व्हेन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज, देन ऑल वेवलेंथ कैन बी स्कैटर्ड इक्वली. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? साइज ऑफ द स्कैटरिंग, लेट से एक्स इज द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल वेन इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ. सो इज रिलेज इफेक्ट वैलिड हेयर? नो. सो वेन रिलेज इफेक्ट इज इनवैलिड, सो वेवलेंथ कैन बी स्कैटर्ड इक्वली. येस, इट्स राइट, ट्रू. सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो जस्ट स्टार्ट. येस, सो फर्स्टली द फर्स्ट टॉपिक इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट करंट कैन बी पास्ड. सो वट इज अ बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. दिस द लॉन्गर वन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव. द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विल फॉर्म अ बैटरी. सो द क्वेश्चन हियर इज इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, सपोज दिस एंड इज पॉजिटिव वन, दिस इज नेगेटिव, सो दिस एंड विल बी नेगेटिव ओनली. दिस वन इज पॉजिटिव, सो दिस एंड विल बी पॉजिटिव ओनली. वेन देर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, वी नो दैट दिस इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल, दिस वन इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल. जब किसी भी कंडक्टर में से बैटरी हमने स्विच ऑन की हुई है, हमने की भी लगाई हुई है, तो जब की क्लोज होगी सो देर इज अ फ्लो ऑफ करंट. और पता कैसे चलेगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ है? जब चार्जेस, लेट से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. व्हेन देर इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? दे आर चार्जेस. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड हाउ? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस. जैसे ही एक कंडक्टर प्लेस किया आपने और बैटरी अप्लाई की और स्विच ऑन किया, तो वैसे ही एकदम से पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट हो गया. और उस वजह से जो नेगेटिव पोटेंशियल पे हैं, वो वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ करंट. सो वाई हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड आयोनाइज गैसेज आर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो दैट सॉल्ट एंड आयोनाइज गैसेज कंटेन आयन्स. सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज इट इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वॉटर. इफ आई से वॉटर प्योर, डिस्टिल्ड वॉटर इज प्योर वन ना, सो सॉल्ट कंटेन इम्प्योर आयन. इवन यू नो द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, NaCl. सो इट स्प्लिट अप इन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स. सो सॉल्ट इज अ
कॉम्बिनेशन ऑफ आयन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव आर कॉल्ड कैटायन्स एंड नेगेटिव आर कॉल्ड एनायन्स. सो वेयर देयर आर एनायन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जहां पे आयन्स हैं, फ्लो ऑफ आयन्स हैं, तो वो गुड कंडक्टर है. गुड कंडक्टर वो कैसे बने हैं? बिकॉज इट इज अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. सो कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. सो विच ऑप्शन इज राइट वन? टेल मी. इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, रेजिस्टर्स. सो राइट ऑप्शन इज कंडक्टर्स. नेक्स्ट, करंट आई डिपेंड्स ऑन. करंट इज द rate of flow of charge through a conductor, that how much charge is flowing through a conductor in given time, that is called current. So it's a ratio of charge to that of time. So current I ki kitna kisi conductor mein se kitna zyada charge flow ho raha hai. Jitna zyada charge flow hoga utna hi zyada current hoga. Obviously agar charge idhar flow ho raha hai to current utna hi zyada badhega, directly proportional. So current I depends on Q by T, R by T, EV and E. So right option is Q by T. Also the unit of current is ampere. The unit of charge is coulomb, which is denoted by C. The unit of time is second. So what is 1 ampere? It is equals to 1 coulomb per second. Next, SI unit of current is volt. Volt is the unit of voltage. It is a unit of voltage. Ohm is a unit of resistance. I will tell you this thing later on. Okay, what is resistance? Okay. Ohm meter. This also, keep it pending. I will tell you very soon. So ampere. Ampere is a unit of current. So right option is what? Ampere. Next. 1 milliampere is equals to, what is 1 milliampere? 1 milliampere is always equals to 10 raised to power minus 3 ampere. So what is the right option? 10 raised to power minus 3 ampere. Next, what is the unit of charge? Charge has unit coulomb. It is also noted by 1 coulomb. If it's a positive charge, plus 1 coulomb. For negative charge, minus 1 coulomb. So unit of charge is always coulomb. Ampere is the unit of current. Joule is the unit of energy and work as well. This work is stored in the form of energy. This work we'll also discuss very soon. Meter is the unit of length. So what is the right option from your coulomb? Next. An electric iron draws a current of 0.5 ampere when voltage is 200 volt. What is the charge through it in 1 hour? Time is how much given? 1 hour. And always keep this thing in your mind that when time is in hour, always convert what is the standard unit of time? Second. You have to convert this hour into second. So what you will do? 1 hour contain how many minutes? 60 minutes. Then minute into second, 60 again. So 3600 second. So what you have to find from here? Charge. You know that I is equals to Q upon T. So Q will be equals to IT, right? So current is how much? 0.5. Time is 3600. Charge, no? So how much charge is flowing through it? Just multiply it. 36 with 5. 6, 5, 30. 5, 3, 15. 18, 180. 180, then 2 zeros. So what is an answer coming up? See, 180 is already here. So you just have to write 2 zeros more. Then you will place a point. So what is an answer? 1800 coulomb. So right option is 1800 coulomb. Got it? Always mention the units. Because jo aapke half marks hain wo unit ke hi hote hain. So it is very important to write the unit.
नेक्स्ट 0.5 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड. फाइंड द करंट. वट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? चार्ज इज 0.5 कूलम्ब. ओके, टाइम इज हाउ मच? 5 सेकेंड. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. इट्स इजी. करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज इज वॉट? हाउ मच? 0.5. टाइम इज ऑलरेडी इन सेकेंड. सो वट इज एन आंसर कमिंग अप? 0.1 वॉट. वट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर. यस, 0.1 एम्पियर. सो राइट आंसर इज 0.1 एम्पियर. नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, दीज टाइप ऑफ सिंबल्स आर आस्ड इंडिविजुअली, एक एक करके आते हैं, बट आई पुट इट कलेक्टिवली ओवर हेयर. सो जस्ट टेल मी वॉट इज द सिंबल, विच ये किसका सिंबल है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या अपरेटस है जिसका ये सिंबल है? जी, दिस टाइप ऑफ जी इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर. वी वोल्ट मीटर. वी इज अ सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर. ए इज अ सिंबल ऑफ एमीटर. एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टर. रेजिस्टर और रेजिस्टेंस. ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है. वी. गैल्वेनोमीटर जी. एमीटर ए. इट इज यूज टू मेजर द करंट. इट इज यूज टू मेंटेन द करंट. वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स. कितना पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो रहा है उसको मेजर करने के लिए. रेजिस्टर. वट इज रेजिस्टेंस? दैट विल डिस्कस इन फर्दर क्वेश्चंस. एन एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस, मेजरिंग द करंट, मेजरिंग द वोल्टेज, मेजरिंग द चार्ज. What is the function of an ammeter? So the right option is it always measure the current and it is always connected in series. Series mein connected hota hai ammeter. Series means like this. Kisi bhi circuit mein jo ammeter hota hai wo hamesha kaise connected hoga? Series mein. Next. Voltmeter purpose is to measure the resistance, measure the current, measuring the charge flow, measuring the potential difference between two points. Resistance ke liye to resistor laga hota hai. Okay. Current ke liye kya hai? Current ko measure karne ke liye ammeter hai. Charge kitna flow ho raha hai? Rate of flow of charge through a conductor is called obviously a current. Wo bhi रिलेटेड टू कहीं ना कहीं एमीटर के साथ है. सो मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ फंक्शन ऑफ अ वोल्टमीटर. नेक्स्ट. पोटेंशियल डिफरेंस हैज फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से स्टूडेंट्स देयर आर टू एंड्स. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय वी. लेट्स से मुझे इस कोई चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट ए पे, मैंने इस चार्ज को यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो किसी कंडक्टर को कितना वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन. यहां से यहां भी लेके आ सकते हैं. सपोज हमने किसी पॉइंट पे प्लेस ही कराना है, सपोज इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो पहले हम उसको ए पे लाएं फिर हम उसको बी पे लाएं, तो पहले इन्फिनिटी से ए तक प्लेस कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस. और अब मुझे ए से बी तक लाना है, तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को लेके आने में, दैट इज called a potential difference between two points. Amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another. So what is the correct option from here? This charge upon time is current.
वी अपॉन आर, दैट आई विल टेल यू वेरी सून, आई विल नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ. सो वट इज द राइट ऑप्शन? वर्क अपॉन चार्ज. एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम. सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सेटिस्फाई ओहम्स लॉ? यू नो वट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स गेव अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अ करंट. ही स्टेटेड दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज प्रपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स. कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, जितना करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में से, उतना ही उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्डअप होता जाएगा. मीन्स अगर हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो यहाँ से हटा के इसको क्या आता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर. प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मुझे चेंज करना है इक्वल्स टू में, तो देर इज अ कॉन्स्टेंट दैट विल टेक इट्स प्लेस. इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस. वट वी से रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? अब सपोज किसी कंडक्टर में से करंट स्मूथली फ्लो हो रहा है, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सेसिव करंट, इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट पास हो गया सर्किट में से, और ये भी डेंजर है कि वो ब्लास्ट भी हो सकता है कंडक्टर. अब उस करंट को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं होगा तो शॉर्ट आप कह सकते हो ओवरफ्लो ऑफ करंट की वजह से सर्किट जो है वो बिल्कुल ही ब्लास्ट भी हो जाएगा. उस करंट को मेंटेन करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? रेजिस्टर. रेजिस्टर रेजिस्टर क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्या करती है? ये एक तरीके से ऑपोजिशन. जैसे आपको पता है ना कि फोर्स और फ्रिक्शन, ये दोनों आपस में वर्क करती हैं. जहां पे फोर्स है वहां पे फ्रिक्शन भी होगी. अगर फोर्स ही फोर्स चलती रहेगी, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमेशा फोर्स लगती रहे? कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे हमेशा. फ्रिक्शन भी तो वहां पे नेसेसरी है ना, उसको स्टॉप करने के लिए किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को. ऐसे ही अगर कहीं पे करंट एक्सेस में कुछ नहीं चाहिए, राइट? अगर करंट बहुत ज्यादा किसी सर्किट में से फ्लो हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक ऑपोजिशन भी देनी पड़ेगी जो उस करंट को मेंटेन करेगी, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करेगी. अगर हाई करंट है तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो मेंटेन रहेगा, राइट? सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली एन ऑपोजिशन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सेटिस्फाई ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर विल बी द करंट. मोर इज द करंट, मोर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे जैसे वी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेट्स से वी की वैल्यू 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट है, तो करंट की भी सेम इंक्रीज होती जाएगी. 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, राइट? तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़े वोल्टेज और करंट के बीच में, सो हाउ विल वी ड्रॉ दैट ग्राफ? 1 1, 2 2, 3 3, सो जस्ट कोइंसाइड इट, सो इट विल गो लाइक दिस. सो व्हाट्स द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज योर B1. ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज व्हाट? क्या है रेजिस्टेंस? ऑपोजिशन गिवन टू, ऑपोजिशन गिवन टू फ्लो ऑफ करंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, रेशियो ऑफ वोल्ट पर एम्पियर, ऑल ऑफ द अबव. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस इज व्हाट? ऑपोजिशन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट. अगर किसी करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, ताकि ओवरफ्लो ना हो, सिर्फ करंट ही करंट ना फ्लो होता रहे और सर्किट ब्लास्ट ना हो, तो उसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट एक मेंटेनेंस बनी रहे करंट की. बिकॉज मोर ऑफ करंट इज डेंजरस, सो टू मेंटेन दैट करंट वी हैव टू अप्लाई अ रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑपोजिशन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज राइट. रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, दैट इज ऑल्सो राइट. थर्ड वन, रेशियो ऑफ वोल्ट. वी द यूनिट ऑफ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, करंट इज एम्पियर. सो ऑल ऑफ द अबव, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट
100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट. सपोज एक पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे 100 वोल्ट लग रही है और यहाँ पे 120 वोल्ट. कितना वर्क करना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है 5 कूलम का, राइट? तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में. दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? वर्क. यू हैव टू फाइंड द वर्क. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई वी क्यू. वी इज वॉट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, राइट? अब ए के एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी पे, वो 120 है, और वी ए पे कितना? 100. व्हाट इज द चार्ज? चार्ज की वैल्यू कितनी है? 5. सो टेल मी व्हाट इज द राइट थिंग. 120 में से 100 माइनस किए, 20 इंटू 5 इज व्हाट? 100. द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, 100 जूल. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर? 100 जूल. फाइन. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्ट टू अ 220 वोल्ट मेन्स. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट. व्हाट इज गिवन ओवर हियर? करंट इज गिवन 5 एम्पियर, राइट? एंड योर वोल्टेज इज गिवन 220 वोल्ट. व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस. You already know the relation of Ohm's law. From Ohm's law, we found that V is equals to IR. So what we want to find from here? R. R is equals to V upon I. Put the value of V 220, value of I 5. So just cut it. 5 fours are 20, 5 fours are 20. So here, what is the unit of resistance? It's Ohm. What is its symbol? Is this one. Okay? It's a symbol of resistance. So what's the correct option? 44 ohm. 44 ohm. Okay? Next. Resistance of a conductor depends on. First of all, resistance is directly proportional to the length of the conductor. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, सपोज अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया ज्यादा है, बहुत एरिया है, तो उस पे जो रेजिस्टेंस है वो कम लग पाएगी. अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ेगी. एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगी. सो कंबाइनिंग वन एंड टू, R will become equals to L by A. It's proportional to L by A. अगर मुझे ये proportionality constant हटाना है, so what will I place over here? Rho, rho, L over A. What is rho? Rho is the constant. It is also called resistivity. Okay? L is called length. A is called area. So from here we can say that resistance is proportional to resistivity, resistance is proportional to length directly, and resistance is inversely proportional to the area. So what is the right option? All of the above. Great. The right option is all of the above. Right option is all of the above. Next, find the unit of resistivity. What is the unit of resistivity? The unit of resistance is ohm. Unit of area is, area is length into breadth. The unit of length is meter. The unit of breadth is also meter. So what is an area? Meter into meter is how much? Meter square. So just put the value of A is equals to meter square. Length unit is meter. मीटर से मीटर कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओहम मीटर. ओहम मीटर. ओहम मीटर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट.
सर ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन बिलो. फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. सो दिस इज लेट्स से आर वन, दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री. दीज थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज मीन्स वन आफ्टर द अनदर. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों का सम होता है सीरीज में. आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इफ दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो यू हैव टू टेल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. थ्री रेजिस्टेंस ओके, देयर नथिंग इज गिवन ओवर हियर, बट वी कैन एनालाइज दैट वट इज एन ऑप्शन. हेयर शुड बी प्लस साइन ओनली. सो वट इज द राइट ऑप्शन? वेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. ओके सो द राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी, रेजिस्टेंस एमिटर, रेजिस्टर. इट इज यूज टू मेंटेन रेजिस्टेंस. It is same. Ammeter is used to maintain current. So right option will be battery. Battery achhi hogi, which is the combination of cells, na? So agar battery achhi hogi, proper achhi battery hogi, to ek proper amount pe, kyunki iska jo first terminal agar ye positive hai, to ye bhi positive potential ho jayega. अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा. अगर बैटरी अच्छी होगी, गुड अच्छी बैटरी होने से पोटेंशियल डिफरेंस भी अच्छा बिल्डअप हो जाता है. अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को प्रॉपरली कनेक्ट करते हो विद द पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव को विद द नेगेटिव एंड, सो कंप्लीटली पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? बैटरी पे ही करता है, राइट. नेक्स्ट, करंट फ्लोस थ्रू मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर. टेल मी, करंट फ्लोज मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर. यस, दिस इज थिक वायर, दिस इज सपोज थिन. अगर ये थिन है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा? मोर, राइट. So more will be the, and we already discussed that resistance is inversely proportional to area. Jitna zyada area hoga, utni kam resistance hogi, right? Aur aapko pucha kya gaya hai ki current kitna flow, kisme se zyada flow karega. V is equals to IR, we know this thing. And R is equals to V upon I. Aur I is equals to V upon R. किसको ज्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी? जिसका एरिया ज्यादा होगा वो वाली वायर को ज्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, या फिर जिसका एरिया कम होगा ज्यादा वाली का, जो थिक वायर होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो जिस वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट थिक वायर में से इजिली फ्लो हो पाएगा या नहीं? टेल मी दिस थिंग. थिक वायर और थिन वायर, रेजिस्टेंस ज्यादा किस पे लगेगी? थिक पे. और रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन है? टेल मी. सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि जो रेजिस्टेंस होती है थिक वायर की वो लेस है. रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस क्योंकि थिक वायर का जो एरिया है वो ज्यादा है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस लग पाएगी वो लेस लग पाएगी. सो जिसकी रेजिस्टेंस लेस है ना, जिसकी रेजिस्टेंस लेस है तो उसमें करंट भी तो इजीली फ्लो होगा ना. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम इट? थिक वायर. ओके नेक्स्ट, कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड आयरन आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल बिकॉज अलॉय रेजिस्टिविटी इज हाई. अलॉय हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. इट डज नॉट ऑक्सीडाइज.
ऑल ऑफ दीस, सो टेल मी द राइट ऑप्शन. देखो जो बेसिकली ऐसी ही कॉइल यूज करेंगे बिकॉज ये हाईली हाई करंट पे ऑपरेट होने वाली चीजें हैं. आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इनमें से जो करंट है वो हाई फ्लो होता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते. ऐसा नहीं है कि एक लो वोल्टेज और लो करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं ये ऐसे डिवाइसेस जिसमें हाई करंट फ्लो होना है. और हाई करंट अगर अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा. टोस्टर की वायर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगी, राइट? सो इनका जो अलॉय है, अलॉय का ये बनना हुआ क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अलॉयज होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? सो अलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट सर्किट विल नॉट ब्रेक इजिली एंड वायर विल नॉट मेल्ट इजिली व्हेन हाई करंट इज पास थ्रू देम. सो विच ऑप्शन इज राइट? अलॉय हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन. यू हैव टू टेल कि जो हीट होती है कंडक्टर में से वो किस पे डिपेंड करती है. जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीट है, हीट करंट टाइम और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है? एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बाय कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी कैन से कि हीट जो है वो डायरेक्टली करंट पे भी, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, येस इट डिपेंड्स, इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, येस, टाइम, येस. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड. वट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज. वट इज करंट? चार्ज अपॉन टाइम. द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पार. कितनी रेट पे वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पार. सो वट इज द राइट ऑप्शन? वट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द टोटल वर्क डन. टोटल कितना काम हुआ है सर्किट में? टोटल वर्क डन. यू नो दैट वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वट इज द राइट ऑप्शन? सी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डिडक्शन ऑफ पार. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू पार इज अ रेट एट विच वर्क इज डन एंड वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. सो फ्रॉम हेयर वी कैन पुट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी क्यू, राइट? एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू वॉट? आई आर. सो इफ आई पुट एंड आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आपको सबको रिलेट करके यहां से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं. चार्ज इज इक्वल्स टू आई टी यहां से. तो अगर मैं यहां पे पुट करूं क्यू की जगह आई टी, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? तो वर्क की जगह वट वट कैन आई पुट ओवर हेयर? वी आई टी अपॉन टी एज वेल. सो दिस इज ऑल्सो राइट. वर्क डन पार अपॉन पार इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज फाइन. पी इज इक्वल्स टू वी आई बिकॉज टी से टी जब हम कट कर देंगे तो दैट इज सेम. सो वट इज द राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव. राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पार इज, वट इज द यूनिट ऑफ पार? ओहम. ओहम तो रेजिस्टेंस की होती है. वोल्ट. वोल्टेज किसकी यूनिट होती है? वोल्ट, वोल्टेज. एम्पियर, वोल्ट मीटर. एम्पियर करंट. वॉट इज द यूनिट ऑफ पार? यूनिट ऑफ पार इज वॉट? वॉट. पार इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वन वॉट इज इक्वल्स टू वन जूल अपॉन वन सेकेंड. सो वन वॉट इज इक्वल्स टू वन जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन. पी इज इक्वल्स टू वी आई.
पी इज इक्वल्स टू आई, पी इज इक्वल्स टू वी आई, इज इट फाइन? टेल मी, पी इज इक्वल्स टू रेट एट विच वर्क इज डन, राइट? सो वर्क का अभी अभी हमने पीछे एक्सप्रेशन निकाला है वी आई टी बाय टी, टी से टी कैंसिल, सो पी इज इक्वल्स टू वी आई, दिस फर्स्ट इज राइट. अब हमें पता है कि जो फ्रॉम ओहम्स लॉ हमने एक रिलेशन निकाला है वी इज इक्वल्स टू आई आर, सो यहाँ से वी आई आर पुट कर सकते हैं आई आर इंटू आई, सो वट इज पी आई स्क्वायर आर, ये भी राइट है, फाइन. और वी नो दैट वट इज आई, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर. अगर मैं इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर पुट करती हूँ, आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर और आर एज वेल, है ना? सो वट इज द राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, वट इज अ कमर्शियल यूनिट? कमर्शियल यूनिट इज 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट इंटू 1 आर. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस फॉर्म, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, 1 आर कंटेन हाउ मेनी सेकेंड? 3600 सेकेंड. सो वेन यू जस्ट राइट इट, तो आप कैसे लिख सकते हो, कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5, 10^5. इसको डिस्प्लेस कराना है तो यू कैन डिस्प्लेस इट एज वेल. सपोज मैं इसको लेफ्ट पे अगर शिफ्ट कर रही हूँ, सो इट विल गो लाइक दिस, 3.6 × 10^6. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ना, 1 किलोवाट आर. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज व्हाट, द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. अगर वर्क डन की यूनिट जूल है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होगी, राइट? सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? 1 किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट. रिमेंबर दिस थिंग, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओहम एंड 4 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज. 2 ओहम एंड 4 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी, एंड वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है. जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा बैटरी से, कितना पैरेलल में कनेक्टेड. द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओहम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी, सो विच थिंग्स आर गिवन ओवर हियर? सो फर्स्टली हमें दिख रहा है कि जो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंसेज हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? और सीरीज में हम सिंपली ऐड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6 ओहम. वी कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट. हीट आपको फाइंड आउट करनी है ना, एच, यू नो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. यहाँ पे आर आपको पता है, वी भी पता है, बट वॉट इज नॉट गिवन ओवर हियर, टी भी पता है. टी इज टाइम, टाइम इज हाउ मच, 5 सेकेंड, ठीक है? तो आई इज नॉट हियर, आई यू हैव टू फाइंड. हाउ विल यू फाइंड आई? वी नो द रिलेशन, वी इज इक्वल्स टू आई आर, एंड फ्रॉम देयर आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर. वी कितना दिया हुआ है, 6. आर कितना दिया हुआ है, 6. 6 कट 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, सॉरी. सो आई इज 1 एम्पियर. तो यहाँ पे जब आप 1 एम्पियर वैल्यू पुट करोगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6, टाइम की वैल्यू कितनी है, 5, सो एच विल बिकम इक्वल्स टू 30 जूल, 30 जूल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, 30 जूल. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज डबल्ड? करंट बिकम थ्राइस. वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा. सो करंट बिकम थ्राइस द पोटेंशियल डिफरेंस? नो, करंट विल नॉट चेंज,
why it will change. If there is a change in potential difference, obviously it will put direct effect on of potential as well. From Ohm's law, we deducted this relation. Resistance become twice. Current through resistance is doubled. Current will doubled. Next, graph between electric current and potential difference across two conductor A and B is shown below. Graph between electric current and potential difference. Fine. Which one has more resistance? यहां से हमें पता लग रहा है कि जो potential difference है वो conductor B का ज्यादा है as compared to A, क्योंकि B is more towards V, right? और ऊपर को जब हम जा रहे हैं तो potential difference is increasing. So VB is greater than VA. और हमें एक और भी relation पता है कि R is equals to V by I. So अगर B का potential difference ज्यादा है तो B की resistance भी तो ज्यादा ही होगी ना, because it is directly proportional. Both of these are directly proportional to each other. अगर potential difference B का ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बी की ही ज्यादा होगी. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर डैश विद टेम्परेचर. देखो स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है, सो यू शुड नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर आप किसी भी सर्किट में टेम्परेचर हाई अप्लाई करते हो, सो मोर ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. और हीट कैसे हाई होती है? जब मोर ऑफ करंट विल बी पास ना. अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी वहां से प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन कोलाइड विद ईच अदर एज वेल. मोर एंड मोर कोलाइडिंग पार्टिकल्स विल लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस, विल लीड्स टू द विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द पैसेज ऑफ करंट. अब करंट की पैसेज में ऑपोजिशन आ रही है, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन ज्यादा फेस हो रही है, सो इन दैट केस रेजिस्टेंस विल बी हाई. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप्स. बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, नन ऑफ द अबव. सी, ओ इंटरेस्टिंग आंसर, राइट? सो यू हैव टू आंसर वन. देखो ऑब्वियसली किसी भी चीज को अगर हम किसी ऑपरेटर्स में या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, ऐसी वायर्स बनाएंगे ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो. उनमें अगर हाई करंट भी फ्लो हो तो वो मेल्ट ना हो. अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर्स लगाएंगे तो फ्यूज हो जाएगा. फ्यूज जो है उसमें उसकी वायर कौन सी होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट वाली, ताकि अगर हाई करंट इनके सर्किट में से पास होता है तो वो वहीं स्टॉप हो जाए, क्योंकि वायर में इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो उस करंट को टॉलरेट कर पाए, राइट? तो जानबूझ के जो टंगस्टन को यूज किया जाता है ताकि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर सके, सो दैट वायर कैन नॉट बी मेल्ट और ब्रोक डाउन इजिली. सो वट इज द राइट ऑप्शन? बी. नेक्स्ट, टिन लेड अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज. वाई? देखो फ्यूज के लिए ऑलवेज रिमेम्बर, हम ऐसी वायर यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो. वाई? क्योंकि फ्यूज तभी लगता है जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है किसी सर्किट में. जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो वायर हम जानबूझ के लो मेल्टिंग पॉइंट वाली लगाई जाती है ताकि उस हाई करंट को वो आगे ना पास करे, वहीं पे ही सर्किट ब्रेक हो जाए. ब्रेक होने से तभी ब्रेक होगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, राइट? सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? लो मेल्टिंग पॉइंट. द वीआई ग्राफ्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज ऑफ टू मेटेलिक रेजिस्टर्स आर शोन. विच ग्राफ रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन? ऑलवेज रिमेम्बर कि जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो लेस होता है. रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस. सो यू हैव टू आंसर दैट विच ग्राफ रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन. जिसका रेजिस्टेंस लेस होगा, ऑब्वियसली वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई. और यहाँ पे वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, सो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ऑफ आर बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए.
सो यू हैव टू टेल विच ग्राफ रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ए का रेजिस्टेंस बी से लेस है, सो ग्राफ ए, ग्राफ ए, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने लेस वाला रेजिस्टेंस ही लेना है जिसका रेजिस्टेंस लेस होगा. फोर रेजिस्टर्स ईच ऑफ 20 ओहम आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ईच ऑफ 20 ओहम. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट कॉर्नर्स, ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपने वो फाइंड आउट करना है. लेट से हम पहले फाइंड आउट करते हैं एडीसी का, एडीसी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, दिस 20 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है, 20 ओम प्लस 20 ओम, हाउ मच, 40. एंड अक्रॉस दिस वन एबीसी कितना बिल्डअप हो रहा है, 20 ओम प्लस 20 ओम, दैट इज 40 ओम. और हमें ये पता है कि एडीसी एंड एबीसी आर कनेक्टेड इन पैरलर विद ईच अदर, दे आर इन पैरलर, और पैरलर में द रेजिस्टेंस ऑफ पैरलर कॉम्बिनेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. और हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही लिया है, एडीसी का रेजिस्टेंस कितना 40, सिमिलरली एबीसी का भी कितना है 40, सो फाइंड द वैल्यू. एलसीएम ऑफ 40 एंड 40 इज ओनली 40, 1 + 1 2. अब आपको आरपी चाहिए, आरपी कैसे फाइंड आउट होगा टेल मी, जस्ट डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, 40/2 इज हाउ मच, 20, 20 ओहो, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, 20. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट, सो फाइंड द करंट रिकॉर्डेड बाय द एमामीटर हेयर, इस सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. यहाँ पे वी कैन सी दैट दिस 40 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस, सो दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज. लेट से वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज 1/40. ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका जो कंबाइन होगा वो क्या बन जाएगा, 40 ओहम. सो 1/40, 1/40, राइट. सो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ दिस, 40, 1 + 1, सो 1/ रेजिस्टेंस इन पैरलर इज इक्वल्स टू 2/40. व्हेन वी डू इट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो इट विल बिकम 40/2 इज हाउ मच, 20. आरपी इज 20, आरपी आ गया हमारे पास 20 एंड वोल्टेज इज ऑलरेडी गिवन, रेजिस्टेंस इज 20 ओहम, वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड द करंट. वी नो द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ से आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, 5/20 इज हाउ मच, 1/4, 1/4 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0.25 एम्पियर. ओके नेक्स्ट, वट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओहम. मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड ईच रेजिस्टर इज ऑफ 1/5 ओहम, सो जस्ट कट इट लाइक दिस, 1 ओहम, सो राइट ऑप्शन इज 1 ओहम. नेक्स्ट, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए हैज रेजिस्टेंस आर, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 4L एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया. देखो दोनों का एरिया हमें सेम रखना है, जितनी लेंथ होगी टू मेंटेन, वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. तो रेजिस्टेंस को नॉर्मल रखने के लिए जितना हम लेंथ लेंगे उतना ही हमें एरिया भी लेना पड़ेगा. अगर लेंथ हम 4L ले रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस सेम रहे, देयर विल नॉट अकर एनी चेंज और प्रॉब्लम इन फाइंडिंग अ रेजिस्टेंस, वी विल कीप ए ऑल्सो इक्वल्स टू 4A, सो दिस इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम एंड 8 ओहम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव सेम करंट फ्लो थ्रू दैम वेन कनेक्टेड इन पैरलर. ओके, सेम करंट फ्लोज थ्रू दैम वेन कनेक्टेड इन सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वेन दे आर कनेक्टेड इन पैरलर, सो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हेयर.
सो सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं तो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट कि सीरीज में करंट सेम होता है, सो राइट ऑप्शन विल बी बी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. व्हेन आर इज इक्वल्स टू रो, व्हेन रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी. वी नो द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, राइट? आर कब रेजिस्टिविटी के इक्वल हो सकता है? जब लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यू L1 एरिया 1, सो आर विल बिकम इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी. सो वट इज द राइट ऑप्शन? एल इज 1, ए इज ऑल्सो 1. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इज. वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो इन फ्रॉम ऑल दीज फोर ग्राफ्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज अ चार्ज ऑफ, हाउ मच चार्ज? वी कैन राइट इट लाइक दिस, 10^4 कूलम. Through a resistance of 20 ohm, the work done in 10 seconds is. What is the work done in 10 seconds? We know when voltage is given, the relation is V is equals to W upon Q, and W is equals to VQ. V kitna diya hua hai? 10, and charge kitna diya hua hai? 2 × 10^4. So just find the value. 2 × 10^5 जूल. सो राइट ऑप्शन इज दिस वन, राइट? सो फर्स्टली हमने यहाँ फॉर्मूला पुट किया वर्क डन का, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टू द चार्ज. सो वी इज हाउ मच? 10, एंड चार्ज वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन. सो 2 × 10^5 जूल इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ देयर आर एन रेजिस्टर्स, see there are n resistors, value of R will become in parallel. हमें पता है कि parallel resistance में क्या होता है, 1/R, let's say 1/R, we are only taking RR, okay? 1/R, it will go up to n. At n value, it will become n/R, right? 1/R, 1/R up to 10, up to n values, it will become n/R. और हमें find out क्या करना है पैरलर में, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, फिर इट विल बिकम आर बाय एन. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, इफ एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस एड अप हो जाता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है टोटल. इफ इट गोज टू एन वैल्यूज, देन ये बन जाएगा, हम क्योंकि आर को सेम रख रहे हैं, राइट? वी आर कीपिंग आर सेम, सो जस्ट टेक आर सेम ओनली टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. सो आर प्लस आर अप टू एन टर्म्स विल बिकम हाउ मच? एन आर, राइट? और व्हाट इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर? एन आर. ओके, नेक्स्ट, to get 2 ohm resistance using only 6 ohm resistors, the number of them required. कितने चाहिए हमें? 6 ohm resistance resistor चाहिए, ठीक है? और हमने use क्या करना है? 2 ohm के resistances ही use करने हैं. चाहिए हमें कितने? 6. तो कितने number हमें चाहिए होगा 6 ohm बनाने के लिए? Obviously, we will just divide 6 with 2. How much? 3. 3. Two devices are connected between two points, say A and B, in parallel. The physical quantity that will remain same between two points is what? क्या सेम रहेगा? जब पैरलर कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, पैरलर में क्या सेम रहती है? वोल्टेज. What stays the same in parallel combination? Voltage. Remember this thing. Now, calculate the current flows through the 10 ohm resistor in the following circuit. You have to find out the current, how much current will flow. You know that V is equals to IR and I is equals to V upon R. यहाँ पे V हमें दे रखा है 6, और हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों parallel combination में connected है, 3 of them. तो parallel का formula क्या होता है? 1 upon RP
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। R1 की वैल्यू कितनी है 20, R2 की कितनी है 10, R3 की कितनी है 5। तो इन सब का एलसीएम कितना आने वाला है 20, 1 प्लस 2 प्लस 4। हाउ मच इज कमिंग अप, कितना आ रहा है 1 अपॉन RP इज इक्वल्स 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7। कितनी वैल्यू आ रही है यहां से 7/20। सो आरपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20/7, बिकॉज ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल ना। सो आरपी इज 20/7। सो वी विल सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर एंड आई विल बिकम इक्वल्स टू वी ओवर आर। वी कितना है 6 दिया हुआ है और हमें अभी अभी आर निकाला है 20/7। सो जस्ट सॉल्व इट, 6/7/20, 7 6 हाउ मच 42, 42/20। टेल मी द आंसर। सो हेयर 2 शुड बी प्लेस्ड। टेल मी व्हेन यू डिवाइड 20 विथ 40, 2 20 ones are 22s are 40। जस्ट डिवाइड 20 विथ 42। वी विल क्रिएट अ स्पेस फॉर अस टू डू। व्हेन यू डिवाइड 42 विद 20, 22s are 40, 2.0, 21s are 20। सो आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम ओवर हेयर। 2.1 शुड बी प्लेस्ड। येस, सो स्टूडेंट्स कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओहम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हाउ मच करंट विल फ्लो 10 ओहम रेजिस्टर। दिस 10 ओहम रेजिस्टर में से कितना करंट पास होगा, दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड। वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई एंड आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी इज हाउ मच 6 वोल्ट। आर इज हाउ मच इज आर गिवन 10। सो 0.6 एम्पियर करंट विल फ्लो। ओके, सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड आर क्लियर टू यू। सो विद दिस वी आर डन विद आर सम नंबर ऑफ क्वेश्चन। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Till then, see you all the best for your exams.